हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीखना भी बाकी में। मैं हूँ आपका दोस्त प्रदीप प्रजापत। तो आज आपके लेके आया हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों आज का जो वीडियो है कुछ स्पेशल होने वाला है और कुछ लेटेस्ट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज जो मैं बताऊँगा वो कुछ है ऐसा है कि जो आप ज़्यादातर यूज करते हैं और आपको उसकी भी ज़रूरत है नॉलेज की। दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, मैं हूँ आपका दोस्त प्रदीप। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हाँ तो मैंने आपको बताया कि हमारा जो वीडियो आज वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। दोस्तों आज बताऊंगा मैं इसमें कि आपको मैं वो सॉरी तीन कार्ड बताऊंगा जो लेटेस्ट चल रहे हैं और जो डेबिट कार्ड के आप यूज करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास कुछ कार्ड्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों आपने यूज किया होगा स्टार्टिंग में, जब हमारे पास जो कार्ड आए थे वो ये वाले आए थे। दोस्तों एक्चुअली मैंने इस पर जो चिप लगा रहा, ये जो प्लास्टिक कागज लगा रखा वो इसलिए लगाया ताकि कोई मेरा कहीं कार्ड है वो एक्सेस ना कर सके, हैक ना कर सके, ताकि मेरे जो अकाउंट की डिटेल है वो उसको ना मिल पाए। ठीक है दोस्तों, पहला ये कार्ड था जो सिंपल कार्ड था, जो आप इसको स्वैप करके आप मशीन से और पैसे जो भी ट्रांजेक्शन करते थे, ठीक है दोस्तों, शॉपिंग करते थे, ट्रांजेक्शन जो भी एक्स वाई जेड, ठीक है, वो स्वैप ये जो स्वैप करता। दूसरा दोस्तों हमारा जो कार्ड आया है दोस्तों वो आया था ये चिप वाला, कि आप मशीन के अंदर डाल के और आप पिन कोड डाल के उसको एक्सेस कर सकते हैं और आपकी ट्रांजेक्शन हो जाती है। लेकिन दोस्तों फाइनली ज़्यादातर क्या होता है कि सिक्योरिटी को भी देखते हुए और थोड़ा सा काम जो लोगों के थोड़ा एडवांस फीचर को देखते हुए गवर्नमेंट एक ऐसे कार्ड भी इशू किए हैं जो हैं वाईफाई बोल तो कॉन्टैक्ट लेस। हाँ दोस्तों आज हमारा यही जो वीडियो है उसी के लिए बनने वाला है कि कॉन्टैक्ट लेस कार्ड। दोस्तों मेरे पास वो कॉन्टैक्टलेस कार्ड है जिसमें क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये वो कॉन्टैक्टलेस कार्ड है, देखिए दोस्तों, सॉरी ये दोस्तों मैंने ये जो दिखाया कार्ड आपको ये इसलिए क्या है कि पर्ची लगा रखी ताकि मेरा एक्सेस ना कर सके। दोस्तों इसमें आपको ये वाईफाई का यहाँ पे चिन्ह मिलेगा, है ना, ठीक है दोस्तों, वाईफाई का चिन्ह है। तो दोस्तों ये इसलिए है ताकि मैं उसका बता देता हूँ कैसे क्या है। दोस्तों ये मेरे पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ये भी वाईफाई वाला ही है, देखिए दोस्तों वाईफाई का आपके पास नहीं होगा तो ये निशान रहेगा। दोस्तों इसका और इनमें अंतर क्या बताता हूँ, देखो पहले मैंने बताया था जो आप स्वैप करते हैं, दूसरा बताया था जो मैंने आपको जो आप मशीन डाल के और फिर आप प्रिंट कर देते हैं। दोस्तों तीसरा वाला ये है कि आपको ये अपना कार्ड किसी को भी देने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आपको अगर आप कहीं भी जाते हैं, अगर उनके पास अगर ये फैसिलिटी है एटीएम कार्ड की, डेबिट कार्ड की, कि वो एक्सेस कर सके इस वाईफाई कॉन्टैक्टलेस कार्ड को, उसमें क्या होगा कि आपको ये कार्ड किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आपको ये कार्ड उसके पास जो मशीन है उसको ऐसे ही रख सकते हैं ताकि वो पता ना चले अपने जो कॉन्टैक्ट डिटेल है, एड्रेस है, वो उसको पता चले। दोस्तों आपको उस पर मशीन पे यूँ रखना है, पता है ना, बस आपका पेमेंट कट जाएगा। हाँ दोस्तों वाईफाई कॉन्टैक्टलेस कार्ड इसी को बोलते हैं। दोस्तों ये अगर आपके पर्स में ये कार्ड है तो आपको क्या करना है, उसको कार्ड देने की जरूरत नहीं है, अपनी सेफ्टी के लिए पर्स अपना वॉलेट उस पर लगाएँ और वो हटा लीजिए, बस आपका आपकी ट्रांजेक्शन हो जाएगी। दोस्तों लेकिन सिक्योरिटी को देखते हो दोस्तों एक और गवर्नमेंट ने ये रूल्स किया कि वन टाइम में आपका जो ट्रांजेक्शन है, आप ये सोच रहे कि आपका जो मान लो जो मनी है, मान लो आपका जो कार्ड है वो किसी दूसरे के हाथ में लग गया और वो तो ऐसे मनी कर लेगा, निकाल लेगा ना। दोस्तों आपकी ये सोच बिल्कुल सही दोस्तों, लेकिन गवर्नमेंट भी आपसे आगे थोड़ा चलती है, उसको सोच के ही कुछ करती है, कदम उठाती है। दोस्तों गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने ये किया कि इस कार्ड की जो लिमिट है वो 2,000 रुपये कर दी गई है, कि आप वन टाइम में सिर्फ 2,000 रुपये तक का ही आप शॉपिंग या कुछ भी इन्वेस्ट उसमें से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कहीं पेट्रोल डलाया तो 2,000 रुपये तक का ही पेट्रोल डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं डला सकते। कहीं शॉपिंग कर रहे हैं तो वन टाइम में 2,000, तो क्योंकि क्योंकि अगर आपने 2,000 रुपये का डलवाया है तो आपके पास SMS डेफिनेटली आएगा, और अगर मान लीजिए आपने 2,000 रुपये पेट्रोल डलाया है तो आपको SMS आती है, आपको ये पता लग जाएगा कि आपके कार्ड से 2,000 रुपये का पेट्रोल डला है। अगर आपका कार्ड कहीं मिस हो गया, किसी ने चुरा लिया है, तो पता लग जाएगा ना कि इस बंदे ने मेरा मेरा कार्ड तो है नहीं, किसी ने चुराया है, तो आप उसको पकड़ सकते हैं, जाके आपको लोकेशन उसकी मिल जाएगी कि वहाँ से आपका पैसा 2,000 रुपये कटा है। तो दोस्तों गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ सोच के कुछ काम करती है आगे। दोस्तों उन्होंने ये कार्ड बनाया है, और दोस्तों ये बहुत अच्छा भी है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको अपने जो डिटेल है वो किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ये बहुत अच्छा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह का आपको मिलेगा
जिसमें वाईफाई का इंतजाम मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको ये कार्ड चाहिए तो दोस्तों आप अपने कस्टमर केयर जो आपका अकाउंट है बैंक अकाउंट है आप उनके कस्टमर केयर से बात कीजिए और बोलिए कि सर हमको भी वाईफाई कार्ड चाहिए, वो कुछ दिनों में आपके घर पर आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अच्छा फीचर ये अपना जो पर्सनल डिटेल है वो शेयर ना करें तो अच्छी बात है दोस्तों। अच्छा है चलते हैं हम, आपको अगर वीडियो लगा हो अच्छा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अच्छा नहीं लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और दोस्तों शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए अपने दोस्तों को मिल जाए। और दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं साथ में सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा क्योंकि दोस्तों हमारे जो लेटेस्ट वीडियो हैं उनके आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ऐसे ही हम टेक्नोलॉजी से वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं और लाते रहते हैं। तो मेरे साथ बने रहे दोस्तों, जय हिंद जय भारत।